नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व को हम कैसे माप सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि पर्सनैलिटी क्या होती है, उससे रिलेटेड जो थ्योरीज थी जैसे कि टाइप थ्योरी एंड ट्रेट थ्योरी, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हुए ये डिस्कस करेंगे कि पर्सनैलिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए, पर्सनैलिटी को मेजर करने के मेजरली तीन ही तरीके होते हैं। एक तो होता है इन्वेंट्री, एक होता है प्रोजेक्टरी और एक होता है ऑब्जर्वेशन। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पहले मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उस पहले मेथड में हम जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग टेस्ट दिए हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइक बेल एडजस्टमेंट टेस्ट हो गया या मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, जिसको MMPI या MMPI-2 के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से और भी टेस्ट है जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जाम में भी क्वेश्चन इन पर पूछा गया है, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पर्सनैलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, इसको समझने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें पर्सनैलिटी को मेजर करने की जरूरत क्यों है। व्हाई डू वी नीड टू मेजर पर्सनैलिटी। इसका सबसे पहला पर्पज आप कह सकते हैं कि सुटेबिलिटी या एलिजिबिलिटी। ठीक है, यहां पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा, सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। अब आप समझ गए होंगे यहां पे इसका क्या मतलब है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जहां पे इंटरव्यूज होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं टीचिंग में बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए KVS में जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं टीचिंग पोस्ट में, PGT, TGT, प्राइमरी टीचर, इन सब में इंटरव्यूज होता है। इसके अलावा नॉन टीचिंग हम बात करें तो जैसे UPSC जो है वो IAS सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विसेज जिनके थ्रू IAS या IPS की अपॉइंटमेंट होती है, इन जैसी वैकेंसीज में क्या होता है कि इंटरव्यूज होते हैं। उस इंटरव्यूज में आप पाएंगे कि मेनली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना जो नॉलेज है वो टेस्ट करवा चुके हैं, क्योंकि आपने एग्जाम क्लियर किया है। अब क्या है, अब आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट करके क्या पता लगाया जाता है, यही तो पता लगाया जाता है कि क्या आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान के चलिए प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और आपका इंटरव्यू है केंद्रीय विद्यालय में, तो बेसिकली क्या चेक करेंगे, यही तो चेक करेंगे ना कि एज अ टीचर आपके अंदर वो ट्रेट्स, वो क्वालिटीज हैं या नहीं जो कि टीचर में होना चाहिए। तो KVS में वही तो आपका इंटरव्यू में चेक होगा। अब वो सारी चीज चेक करके वो तय करेंगे कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल हैं या नहीं। इन द सेम वे UPSC में भी जब वो देखते हैं कि जो कैंडिडेट है क्या वो एक IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर बनने के लिए सुटेबल है या नहीं, तो उससे रिलेटेड जो भी ट्रेट्स एक पर्सन में होनी चाहिए उसका टेस्ट वो करते हैं। तो पहला तो हमने देख लिया सुटेबिलिटी फॉर दी पोस्ट, ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट में घुसे, तो देखिए सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि एज अ साइकोलॉजी सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं, तो उसमें जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों करते हैं, एक तो होता है डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, डायग्नोस, क्या डायग्नोस करने के लिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना कई बार किसी को, तो पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत हेल्प करती है उस डायग्नोस डिजीज को या उस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने में। जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारे आप देखेंगे कि डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार पर्सनैलिटी रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, कई बार अदर प्रॉब्लम्स हो जाती है, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं कई तरह की। तो साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं कि वो पर्सनैलिटी टेस्ट आपका सबसे पहले करते हैं, आपकी केस हिस्ट्री वगैरह निकालेंगे, आपकी सारी डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीजें स्टडी करके वो क्या पता करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी रही है। तीसरा ये होता है कि एडजस्टमेंट, अगर आपको पर्सनैलिटी के बारे में पता है कि भाई मेरी पर्सनैलिटी कैसी है या सामने वाले पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, तो उस पर्सनैलिटी में अगर मान के चले किसी तरह की कोई कमी है या कुछ है, तो वहां पे हमें अगर हम उसको पता कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर सकें।
हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अपनी अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है सबकी, और हर एक व्यक्ति उस पर्सनैलिटी के बिहाफ पे अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करता है कुछ को। तो कुछ लोग जो होते हैं वो आप देखेंगे कि एडजस्ट कर पाते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। तो इस तरह के लोगों की पर्सनैलिटी टेस्ट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई ऐसे कौन से ट्रेट्स हैं, ऐसे कौन से उसके अंदर शील गुण हैं जिसकी वजह से उसको अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो एडजस्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है पर्सनैलिटी मेजरमेंट में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें पर्सनैलिटी टेस्ट करनी पड़ती है। अब जैसा कि मैंने आपको ये बात शुरू में बताई थी कि पर्सनैलिटी टेस्ट के मेजरली तीन तरीके ही होते हैं, जिसको कि मैं यहाँ पे लिखता हूं। पहला है पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। पर्सनैलिटी इन्वेंटरी एक तरीका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट का, जिसको कि अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपके सामने ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होता है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, हाँ, ना, या कोई नहीं, इस टाइप से कुछ ऑप्शंस होंगे। आपके सामने कुछ सवाल होंगे और उसके जवाब आपको उस ऑप्शन में से देने होंगे। तो एक प्रकार का ये पर्सनैलिटी इन्वेंट्री होती है, जिसके थ्रू आप उस सवालों के जवाब देते हैं, और उसकी जवाब जो आप देते हैं उसके बेसिस पे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया लगाया जाता है या मेजर किया जाता है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है प्रोजेक्टरी, प्रोजेक्टरी मेथड। प्रोजेक्टरी मेथड में क्या होता है कि आपके के सामने कुछ स्टिमुलस होते हैं, या कुछ सिचुएशन आपके सामने रखी जाती है। अब वो स्टिमुलस या सिचुएशन जो होगा वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, मतलब आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि वो क्या चीज है। और उसके बाद क्या होता है, आपका रिएक्शन चेक किया जाता है। आप जो रिएक्शन दे रहे हैं, जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको स्टडी किया जाता है, और उसके बेस पे पता लगाया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तीसरा जो तरीका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट का वो होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके भी अंदर भी दो और तरीके शामिल हो जाते हैं। पहला होता है रेटिंग स्केल, और एक होता है इंटरव्यू। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी इन्वेंटरी के बारे में बात करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रोजेक्टरी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्वेंटरी मेथड्स की। पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या होता है आपके सामने कुछ सवाल होते हैं, ठीक है। आपकी मतलब आपके सामने कुछ सवाल रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कुछ इस प्रकार का सवाल रखा जा सकता है कि आपको अपने परिवार में सबसे प्रिय कौन है, ठीक है। या आपको इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आपको घूमना पसंद है, हाँ, ना, या कुछ नहीं कह सकता या कह सकती, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन सवालों के जवाब देने होते हैं। इस जवाब के आधार पे, जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं उसके आधार पे उनको स्टडी किया जाता है। आप जो भी रिस्पॉन्स देंगे ना, उनको कुछ स्केल्स बनाए हुए होते हैं। जो भी रिस्पॉन्स आप देंगे ना, उसके कुछ स्केल्स बनाए होते हैं। हर स्केल का अपना एक नाम होता है, जैसे कि स्केल एल होगा, के होगा, पी होगा, ये कुछ लेटर्स होंगे जो हर एक स्केल को दिखा रहे होंगे। आप जो भी आंसर देंगे उसके आधार पे तय किया जाएगा कि आपका स्केल क्या है। उस स्केल के आधार पे तय किया जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। अब इसमें आप पाएंगे कि ये जो इन्वेंटरी मेथड है ना, ये सबसे पहले आई कैसे, तो इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर से। कि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 1918 में जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तब सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ी थी पर्सनैलिटी टेस्ट की। और उसमें भी पर्सनैलिटी टेस्ट में वो क्या चेक कर रहे थे, उसमें वो देख रहे थे कि जो सोल्जर्स थे उसमें से वो उनकी छटनी कर रहे थे, मतलब उनको सेग्रीगेट कर रहे थे। किस आधार पे? इमोशनली अनबैलेंस्ड जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, उनको वो सेना से बाहर करना चाह रहे थे। तो इसके लिए जरूरी था कि उनकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाए।
तो इसी वजह से सबसे पहले वुडवर्थ ने 1918 में पर्सनैलिटी टेस्ट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टेस्ट दिया था जिसका नाम था वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंटरी। वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंटरी 1918 में सबसे पहले वुडवर्थ ने ये दिया था। एक तरीके का ये भी इन्वेंटरी था, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनके जवाब जो दिए जाते थे उसके आधार पे पता लगाया जाता था कि किसी पर्सनैलिटी कैसी है, और जो लगते थे कि भाई हाँ आर्मी के लिए सुटेबल नहीं है उनको बाहर कर दिया जाता था। हालांकि ये शुरुआत थी, इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन इसके आधार पे जो बाकी के साइकोलॉजिस्ट थे उनको बहुत हेल्प मिली और उन्होंने आगे चल के इसके ऊपर और ज्यादा वर्क किया और बहुत सारी इन्वेंटरीज इन्होंने डेवलप की। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेंटरी है, सबसे पहली इन्वेंटरी जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मिनीसोटा। मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट, ध्यान रखिएगा इसको शॉर्ट में एमएमपीआई कहा जाता है। ये भी एक नहीं है, दो हैं, वन एंड एमएमपीआई टू, इस प्रकार से ये दो है। दो क्यों है? क्योंकि पहली जो बनाई गई उसी को थोड़ा सा और रेक्टिफाई करके इन्होंने एमएमपीआई टू बनाया गया। इसमें आप पाएंगे कि एमएमपीआई वन एमएमपीआई टू में कुछ आइटम्स होते थे। आइटम्स का मतलब यहाँ पे क्या है, आइटम्स का मतलब ये है कि कुछ आपके सवाल होते थे जिसके आधार पे आपके रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड किया जाता था। बात करूँ मैं एमएमपीआई वन की, तो इसमें बेसिकली ये 1940 में डेवलप किया गया था और इसमें लगभग 560 आइटम्स के आसपास थे। इस 560 आइटम्स के आधार पे आपको जवाब देने होते थे और उसके आधार पे जो भी आंसर आता था उसको स्टडी किया जाता था। इसी प्रकार MMPI 2 आया जिसकी संख्या बढ़ा करके 567 कर दी गई आइटम्स की। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, यही था, उसमें कुछ और आइटम्स को ऐड कर दिया गया। अब आप जो भी आंसर देंगे ना, मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था इन्वेंटरी में क्या होता था कि आपके सामने क्वेश्चंस होते थे और रिस्पॉन्स आपको उन्हीं ऑप्शंस में से देना होता था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको चीजें क्लियर थी, क्लियर क्रिस्टल क्लियर थी कि भाई मेरे से क्या सवाल पूछा जा रहा है और उसी के आधार पे आपको जवाब देना होता था। तो मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट जो है इसमें भी यही होता था, बस इसमें कुछ आइटम्स मैंने आपको बता दिए कि इतने आइटम्स थे, लगभग 567। ठीक है, और इसी के आधार पे क्या था कि आपको रिस्पॉन्स देना था और आप जो भी रिस्पॉन्स देते थे उन्हीं के आधार पे तय किया जाता था कि आप किस स्केल में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्केल भी अलग अलग होते थे और हर एक स्केल आपकी ट्रेट्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स को बताता था कि आपके अगर आप इस स्केल में हैं तो ये ट्रेट्स आपके अंदर हैं। तो इस प्रकार से मल्टीफेजिक मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट MMPI 1 MMPI 2 इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, MMPI 1 एंड MMPI 2। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये है बेल एडजस्टमेंट टेस्ट। अब जैसा कि ये नाम से ही लग रहा है एडजस्टमेंट, तो यहां पे बेसिकली क्या होता था कि आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता था और उसके आधार पे ये तय किया जाता था कि आपको कहां कठिनाई आ रही है, किस प्रकार की कठिनाई आपको अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में किस प्रकार की कठिनाई आ रही है। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो बेल ने किया था 1940 में, इसका ध्यान रखना आपको, ये टेस्ट 1940 में बेल द्वारा बनाया गया था। इसमें भी कुछ आइटम्स होते थे, लेकिन आइटम्स पे आने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता था। इसमें ये एक तरीके का फॉर्म होता था जिसके दो हिस्से होते थे। ठीक है, एक तरीके का ये फॉर्म होता था जिसके दो हिस्से होते थे। पहला होता था स्टूडेंट फॉर्म, इसका नाम था स्टूडेंट फॉर्म, और दूसरा हिस्सा जो होता था इसका वो होता था ऑक्यूपेशनल फॉर्म। स्टूडेंट फॉर्म एंड ऑक्यूपेशनल फॉर्म,
इसके आधार पे क्या होता था कि हर एक फॉर्म में आपसे कुछ सवाल पूछे जाते थे और उसमें फिर आपको जवाब देने होते थे। अब जैसा कि मैं बात करूं स्टूडेंट फॉर्म, ये चार हिस्सों में बटे थे, जिसमें कि इसमें इसके चार हिस्से होते थे। जैसे कि एक होता था सोशल, एक होता था इमोशनल, एक होता था होम, होम मतलब बच्चे के घर से संबंधित या उस व्यक्ति के घर से संबंधित, और एक होता था उसका हेल्थ। इस प्रकार से इसके चार हिस्से होते थे और उस मतलब टोटल इसमें मान के चलिए 140 के आसपास आइटम्स होते थे, और इसमें ऑक्यूपेशनल फॉर्म में 20 के आसपास आइटम्स होते थे, और इसमें भी वही क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि भाई एक सवाल होता था उसका जवाब वो हाँ या ना में देना होता था। आप जो भी जवाब देते थे उसके आधार पर तय किया जाता था कि आप किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट MMPI 1 and 2 बेल एडजस्टमेंट टेस्ट। ठीक है, तो आप एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हम अब बात करेंगे कैटल्स 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको उतार लीजिए जब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा जो है, ध्यान रखिएगा बहुत सारी पर्सनैलिटी टेस्ट होती हैं जिसमें से कि हमें सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट वाले हम पढ़ लेते हैं, जिसमें कि मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट हमने पढ़ लिया, बेल एडजस्टमेंट टेस्ट हमने पढ़ लिया, इसी प्रकार एक और है कैटल्स, कैटल्स 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन नियर। ठीक है, अब देखिए कैटल का नाम आपने पहले भी सुना होगा, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको जब ट्रेड थ्योरी में आपको पढ़ा रहा था उस वक्त भी हमने कैटल के बारे में स्टडी की थी। कैटल ने क्या किया था, कैटल ने आपने देखा होगा कि ऑलपोर्ट की जो थ्योरी थी ट्रेड थ्योरी, जिसमें कि उन्होंने लगभग 18,000 ट्रेड्स की बात की थी, 18,000 पर्सनैलिटी ट्रेड्स अगर आपको ध्यान हो। कैटल ने क्या किया था, कैटल ने इसमें से 4,500 पर्सनैलिटी ट्रेड्स उठाए थे और उसको भी कुछ एक खास तरह का स्टैटिकल फॉर्मूला लगा करके इनकी संख्या ज्यादा नहीं लगभग 25 से 30 के आसपास कर दी थी लगभग। ठीक है, इसमें से भी उन्होंने पहले इसकी संख्या 200 की आधार पे की कि जो सिनोनिम्स थे ना उनको कम करते गए और लास्ट में 200, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ स्टैटिकल फॉर्मूला लगाया और उस 200 की संख्या 25 से 30 में इन्होंने कन्वर्ट कर दी। इस 25-30 में से भी 16 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेड्स थे। ठीक है, और इन्हीं 16 पर्सनैलिटी ट्रेड्स को मेजर करने के लिए, नापने के लिए इन्होंने इस नाम से कैटल्स 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने एक तरीके का ये क्वेश्चन बनाया था। अब इसमें आप समझ भी गए होंगे कि इसमें बेसिकली होगा क्या, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ खास 16 पर्सनैलिटी ट्रेड्स, 16 पर्सनैलिटी ट्रेड्स, इनको नापने के लिए एक प्रकार का क्वेश्चनेयर बनाया गया था। बिल्कुल इन्वेंटरीज में होता क्या, क्वेश्चनेयर होता है, तो एक प्रकार का क्वेश्चनेयर बनाया गया था जिसमें कि पर्सनैलिटी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और उसमें भी स्पेसिफिक जो 16 कैटल्स ने बताए थे पर्सनैलिटी, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्वेश्चनेयर बनाया था। इसमें भी ये रेटिंग देते थे हाईएस्ट एंड लोएस्ट और उसके आधार पर तय करते थे कि किस व्यक्ति में किस प्रकार की पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कैटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर एंड मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी बेल एडजस्टमेंट टेस्ट, ये सारे वो हैं जो कि यूरोपियन साइकेट्रिस्ट हैं, सारे यूरोपियन मतलब बेसिकली ये इसमें से कुछ हैं जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, कुछ यूके से बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कुछ इंडियंस के बारे में भी। ठीक है, तो इंडियंस में जैसे कि MD बंगाली हैं एक, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको उतार लीजिएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूथ एडजस्टमेंट एनालाइजर, MD बंगाली द्वारा दिया गया है ये। इनके बस नाम याद कर लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इससे ज्यादा इसको इसमें आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एमडी मंगाली द्वारा दिया गया था यूट एडजस्टमेंट एनालाइजर, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा एक एचएस अस्थाना द्वारा एक एडजस्टमेंट शेड्यूल, एचएस अस्थाना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन साइकेट्रिस्ट हैं जिनके द्वारा कुछ बनाया गया, ये इन्वेंट्रीज हैं जिनको आप याद कर लीजिएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। जो हम बात करें ना पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सिंपल एक क्वेश्चनेयर होता है जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना होता है, उसके आधार पर पहले से तय होता है। रेटिंग बनी होती है कि आप क्या रिस्पॉन्स देंगे, आपको क्या रेटिंग मिलेगी, और उसके आधार पर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था पर्सनैलिटी इन्वेंट्री से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी टेस्ट थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्टरी मेथड की। प्रोजेक्टरी मेथड से रिलेटेड भी 5-6 तरह के टेस्ट है जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।